Everyone, welcome to back our channel Mathematical Thing Solution. Today's math solution is representation of an integer on a number line. जैसे कि अभी हमें इस क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि हमें नंबर लाइन में इस इंटीजर को बताना है कि ये कहाँ पर आता है. तो सबसे पहले समझते हैं कि इंटीजर किस किस टाइप के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव. फर्स्ट हमारे पास होता है पॉजिटिव, सेकंड हमारे पास होता है नेगेटिव. पॉजिटिव में कैसे नंबर्स आते हैं? पॉजिटिव में आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे. और नेगेटिव में आते हैं -1, -2, -3, -4 और -5. जैसे कि अभी इसमें हमें दे रखा है कि प्लस, जब प्लस 5 होता है यानी कि पॉजिटिव की बात की जा रही है, क्योंकि इनमें प्लस शो नहीं किया जाता, ठीक है. तो यानी कि जो हमारी जो लाइन होगी उसमें -5 कहाँ पर होगा, चलिए देखते हैं. तो देखिए यहाँ पे प्लस 5 की बात की जा रही है, बट हमें इसमें से -5 ढूंढना हो तो हमें कैसे बताना है कि ये रहा हमारा -5, ठीक है. तो ये रहा हमारा -5. तो ये देखिए, अब अगर हमें प्लस की बात की जा रही है यानी कि प्लस मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा वो यहाँ पर होगा. और इस बात का ध्यान रखिएगा कि नंबर लाइन इस तरीके से बनाई जाती है, उसके मिड में 0 आता है, उसके बाद इस साइड में यानी कि राइट साइड में आप पॉजिटिव नंबर्स राइट करेंगे और लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव नंबर्स राइट करेंगे. इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है. तो नेगेटिव नंबर्स आपको लेफ्ट साइड में राइट करना है, कहाँ पर? लेफ्ट में. और राइट साइड में आपको पॉजिटिव राइट करना है, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा, वरना आपका आंसर गलत भी हो सकता है. अब हमारा प्लस फाइव पूछा था, तो हमें बताना है कि प्लस 5 इधर है. आप उसको सर्कल भी कर सकते हो या फिर इस तरीके से करके प्लस 5 भी लिख सकते हो. अब आते हैं -10 पर. तो इस तरीके से सबसे पहले हमें ये बना लेनी है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि माइनस लगाना भी ज़रूरी है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी लाइन माइनस की है और कौन सी प्लस की. देखिए अगर हमारे पास आता है कि +10, अगर +10 आता है, प्लस जब आता है तो प्लस लाइन में नहीं होता. जब अगर प्लस आपको दिया जाए तो आप समझ जाना कि जिस लाइन में प्लस नहीं है, यानी कि 1 से लेकर जैसे 8 तक यहाँ पे लाइन दे रखी है 0 से राइट साइड में, तो आप समझ जाना कि जब प्लस आता है तो हम राइट साइड को चूज़ करते हैं. प्लस मतलब पॉजिटिव और माइनस मतलब नेगेटिव. अभी हमारे पास -10 है, तो -10 को हम इस तरीके से सर्कल करके यहाँ पे लिख सकते हैं -10. हमारी लाइन में सबसे लास्ट में, वो भी नेगेटिव नंबर्स की लाइन में सबसे लास्ट में -10 है, ओके. तो अब हम इसी तरीके से 2 क्वेश्चंस और समझेंगे. अगर हम लेते हैं -12 और डी में हम लेते हैं +17, तो कैसे आप शो करोगे? सबसे पहले 12 को देखते हैं. सबसे पहले 12 को लिया, कैसे लेना है? अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये तो बहुत छोटा है, तो देखिए आप ऐसे कर सकते हो, 0 यहाँ पे, 1, 2, इतना भी आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको प्लस का बताना है, ठीक है. हम इस 17 को ले लेंगे पहले, बाद में 12 को लेंगे, क्योंकि अभी हम पहले डी वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, तो अभी हमारा यहाँ पे 10 तक गया है. अब ये नहीं है कि आप इसमें लंबी चौड़ी लाइन बनाओ. अगर आप चाहते हो कि कैसे करें, जल्दी करें, बट इतनी लंबी आप लाइन बना सकते हो,
इतनी लंबी, फिर उसमें सबसे आखिर में जीरो, फिर बहुत ही छोटा छोटा लिखो 2, 3, ताकि हमारा 17 तक नंबर आए, और फिर हम उसको इस तरीके से करके +17 राइट कर दें। ठीक है, 4, 5, अभी हम सारे नंबर्स राइट कर ले, तो अभी हमने ये राइट कर ले 17 तक राइट कर लिए। अब हमें बताना है कि +17 कहाँ पर है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है हमारा प्लस। ठीक है, प्लस का मतलब पॉजिटिव, राइट साइड में होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, और प्लस लाइन में शो नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। माइनस लाइन में शो होता है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट वाले ए वाले क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था। तो ये हमारा 17 इसका आंसर निकल जाएगा। अब जैसे 12 है, तो -2, 3, 4, एक काम कीजिए आप, क्या करेंगे यहाँ से 11, 10, 9, 8, और उसके बाद पतला पतला लिखेगा, और इसके बीच में ऐसे हल्का सा साइन लगा देना है। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप लाइन बनाएं, यहाँ पे 0, यहाँ पे आप 14 तक कर सकते हैं, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ठीक है, डन। अब बाद में आप इसमें इस तरीके से माइनस का साइन लगा सकते हैं, छोटा भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये नेगेटिव की बात कर रहा है, यानी कि माइनस की बात कर रहा है। तो अब हमें इसमें से -12 कहाँ पे मिलेगा, इस साइड में, लेफ्ट साइड में। अब देखिए माइनस अगर आता है तो वो माइनस शो होता है, माइनस नेगेटिव होता है। माइनस जो होता है वो क्या होता है, लाइन में लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ये लेफ्ट में होता है, शो होता है, और इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, और वो प्लस जो होता है वो राइट में शो होता है, उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, और इसमें प्लस शो नहीं होता, जो प्लस है वो लाइन में शो नहीं होता, इसका आप ध्यान रखिएगा। आई थिंक कि आज की वीडियो में आपको ये सॉल्यूशन मेरा समझ में आया होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन, हाउ वी डू इट इजीली। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी विद दिस topic, okay, so you will tell in the comment box. If you need or more videos of integers, so tell in the comment box. Thank you for having a nice